सोमवार को सहकारिता कर्मचारी संघ ने फिर आंदोलन किया। मध्य प्रदेश सरकारी समिति कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष जोगेश ठाकुर ने बताया कि 21 मार्च को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 23 को सहकारिता मंत्री के बंगले का घेराव, 24 को सहकारिता मंत्री के निवास पर अनशन और कर्मचारियों द्वारा मुंडन कराकर विरोध जताया जाएगा। 25 मार्च को प्रदेश के समस्त जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद वेतनमान लागू करने संबंधी आदेश जारी नहीं हुआ तो 1 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव कर आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक इस्तीफा भी प्रदेश के 55,000 सहकारी कर्मचारियों द्वारा दिया जाएगा। छपारा से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।